हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या आईटीआर फाइल करना, किस तरीके से हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो आईटीआर हम लोग फाइल कर रहे हैं एक डमी साइट पे कर रहे हैं। इट इज हाँ, एक तरीके से हम लोग डमी साइट पे कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें टेस्ट पेपर में, जस्ट लाइक यहाँ पे आता है कि भाई मेरे को आईटीआर फाइल करना है। यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइल द रिक्वेस्टेड आईटीआर फॉर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, सेव द एक्नॉलेजमेंट टू द डेस्कटॉप विद योर स्टूडेंट कोड। ठीक है, और देखो यहाँ मार्क्स दे रखा 20 नंबर का। आजकल ये कितने नंबर का आ रहा है, 40 नंबर का आ रहा है, अब 20 नंबर का नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे नेम में दे रखा है योर नेम, अपना नेम भरिए। इसके बाद एड्रेस, अपना एड्रेस डालिए अपने हिसाब से, एनी पैन योर चॉइस अपना बना लीजिए। बेसिक सैलरी ओके, यहाँ पे देखो दे रखा है क्या बेसिक सैलरी आपका इतना है, 50,000 पर मंथ है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, आप सभी को पता है बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। फिर आपका एचआरए मिल रहा है 20,000 रुपये पर मंथ, तो इसमें आपको पता है एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर कंट्रीब्यूशन टू पी आर ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% आप दे रहे हो, आपको पता है ये जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सैलरी का 12%, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में। रेंट पेड आप लैंडलॉर्ड को कितना करते हो, देखो कंपनी की तरफ से मिल कितना रहा है 20,000 रुपये, और आप रेंट कितना पे कर रहे हो 15,000, तो एग्जेम्पशन बिल्कुल मिलेगा आपको। LIC प्रीमियम कितना पे कर रहे हो, 46,981 रुपये, इसका आपको पता है 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हो 10,987, ये 80D के तहत आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 20,902, यानी कि 20,902 रुपये मिल रहे हैं। आप सभी को पता है ये पहले अदर सोर्स की इनकम में पहले शामिल करेंगे इंटरेस्ट इनकम 20,000 रुपये, और उसके बाद ATTTA का डिडक्शन दे देंगे 10,000 रुपये का। ठीक है ना, ATTTA में 10,000 रुपये तक का डिडक्शन है। बस यहाँ तक हो गया, यही बस हमारा क्वेश्चन है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप बेसिक सैलरी देखें तो 50,000 रुपये पर मंथ है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 5,000 रुपये पर मंथ, एचआरए मिल रहा है 20,000 रुपये। तो सैलरी का मतलब मैंने निकाल लिया सैलरी, तो यहाँ पे क्या है, आप सभी को पता है एचआरए में सैलरी का मतलब क्या होता है, तीन चीजें शामिल होती है, बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो, प्लस फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल। यहाँ पे क्वेश्चन में ना तो फिक्स रेट कमीशन है ना तो डीएनएस अलाउंस है, तो यानी बेसिक सैलरी ही सिर्फ मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिक सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6 लाख रुपीज सैलरी आ रहा है। अब एग्जम्प्ट एचआरए आपको पता है जो तीनों में से कम है, 40% ऑफ सैलरी एक्चुअल एचआरए रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 40% इसका देखो कैलकुलेट कर लिया मैंने, 2,40,000 आया। एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है, 15,000 के हिसाब से अगर हम देखें, सॉरी 15,000 नहीं है, एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है इनको 20,000, 2,40,000 रुपये। तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना किया, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी कि इस 6 लाख का 10%, तो देखो 1,20,000। इन तीनों में से कौन कम है, 120, यही आपका एग्जेम्प्ट एचआरए हुआ। अब सोच रहे थे सर कौन सा आईटीआर फाइल करना है, तो चलिए देखते हैं। इनकी एक तो सैलरी इनकम है और एक अदर सोर्स की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, तो दो ही इनकम है, सैलरी इनकम इंटरेस्ट की इनकम है, तो जाहिर सी बात इनके लिए कौन सा आईटीआर होगा, आईटीआर 1। तो हम लोग को आईटीआर 1 फाइल करना है। अब चूंकि जैसे कि मैंने बोला डमी साइट करना है, तो डमी साइट के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेलकम टू आईसीए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टूडेंट लॉग इन कर लेंगे, बट लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी इसको मिटाइए, यहाँ पे सीधे लिख दीजिए आईटीआर। लॉग इन करके प्रोजेक्ट्स में जाके आईटीआर में जा सकते हैं, और बिना लॉग इन किए अगर जाना है तो यहाँ पे आप पूरा आईसीए न्यू तक मिटाइए और वहां पे क्या लिख दीजिए आईटीआर, आप सीधे एंटर कर जाएंगे। तो लॉग इन करना, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, वो थोड़ा टाइम आपका बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्टर करना होता है, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग अपना पैन रजिस्टर कर लेंगे, और पैन में कोई भी डमी पैन आप बना सकते हैं। पैन अपना देखो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, कोई भी डमी पैन आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। डमी मतलब कुछ भी एज्यूम कर लेना, जैसे मैंने देखो लिख दिया PAN PP 1234K, और वैलिडेट कराऊंगा, देखना कहेगा हाँ सक्सेसफुली वैलिड, जबकि ये फर्जी पैन है, उसने वैलिडेट कर लिया, फिर आगे रजिस्टर कर लेना। ठीक है, तो रजिस्टर करना सब लोगों को पता है। अब इसको क्या करना है, बस आपको रजिस्टर कर लेना, रजिस्टर करने में आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, फाइल डिटेल एंड देन वेरीफाई। ठीक है ना, लास्ट नेम, जस्ट लाइक मैंने लास्ट नेम यहाँ पे भर दिया,
फर्स्ट नेम इस तरीके से आप भर सकते हो। मेरे ख्याल से ये कर लोगे, आप तो रजिस्टर कर लोगे। मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, तो मैं यहाँ पे सीधे अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये डमी साइट है। ये देखो आ गया, ठीक है, ये आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद देखो यहाँ पे टाइम भी चल रहा है, टाइम भी चलने लगा है ना। अभी देखो 40 मिनट दिखा रहा है, लेकिन आप पता है 80 मिनट मिलता है। ओरिजिनल साइट पे जाते हो तो 80 मिनट करीबन मिलते हैं आपको। अब आपको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है? ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब पूछता है किस असेसमेंट ईयर का आपको फाइल करना है। अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर अगर ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे दे रखा है फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी प्रीवियस ईयर 18-19 हुआ, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा इसका? 19-20। तो यहाँ पे हमने सपोज कर 19-20 हमने ले लिया असेसमेंट ईयर। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करिएगा आप और कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करेंगे कहेंगे क्या कि पुराना कोई फाइल कर रहे थे उसको आप रिज्यूम करना चाहेंगे कि नया फाइल करना चाहेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट अ न्यू फाइलिंग। क्या है आप? इंडिविजुअल है, कंटिन्यू। अब कह रहा है क्या, प्रोसीड कर लीजिए अपना रिटर्न फाइल सेलेक्ट करके। अच्छा देखो एक चीज ध्यान रहे, हम लोग देखो असेसमेंट ये 19-20 लिया, लेकिन बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया क्या 21-22 ही आ रहा है, बिकॉज ये डमी साइट है, इसमें 21-22 का ही सेट है। आप कोई भी ईयर उठाओगे 21-22 ही लेगा, ठीक है ना? तो आगे ही नहीं बढ़ेगा अगर आप ईयर ही नहीं सेलेक्ट करोगे, तो आगे सेक्शन ही नहीं बढ़ेगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं करते हो ईयर। सो आप देखिए यहाँ पे तो आपने अपने आप आ गए यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे कौन सा रिटर्न फाइल करना हमको पता है, ITR 1। प्रोसीड विद ITR पे क्लिक करिए। अब बोलेगा लेट्स गेट स्टार्टेड। कह रहा है क्यों आप ITR फाइल कर रहे हो? क्योंकि टैक्सेबल इनकम हमारी जो है मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। और अगर कुछ भी ना समझ में आया तो आप अदर पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कह रहा है लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना देख लीजिए, प्रोवाइड करिए, प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन। तो ये सब बिल्कुल सही डेटा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ कहता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या है, तो हम इनको प्राइवेट एम्प्लॉय मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट होते तो सेंट्रल स्टेट PSU पेंशनर होते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, अदर्स, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय है। प्लस बिफोर रिटर्न ड्यू डेट हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 139(1) है ना। अब यहाँ पे क्या, आर यू ऑप्टिंग अ न्यू टैक्स रिजीम? तो नया टैक्स रिजीम नहीं, हम पुराने टैक्स रिजीम से हम लोग देंगे, बिकॉज हमें 80C का डिडक्शन भी क्लेम करना है इसलिए। अब क्या है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे बैंक डिटेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका एक वेल्दी बैंक का पकड़ रखा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसको, आगे उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक और बैंक डिटेल डालना होता तो डालते, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आपका बैंक का डिटेल आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपका जो बैंक डिटेल ऑलरेडी है यहाँ पे ऐड कर रखा है उसको रहने दीजिएगा। देन कन्फर्म पे क्लिक करिए। अब देखो यहाँ पे मैसेज भी आ गया सक्सेसफुल, यानी ठीक से आपने फाइल किया है, ओके। अब कहता है ठीक है, अब ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम देख रहे होगे 11,89,000 आ रहा है एग्जैक्टली। मैंने अभी जस्ट पीछे भी मैंने रिटर्न फाइल किया था उसी का वो बाय डिफॉल्ट डेटा अपडेट कर रहा है, हम उसे अभी चेंज कर देते हैं। तो क्लिक करते हैं हम लोग, आर यू एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ मेंटेनेंस यूनिफॉर्म? कुछ नहीं। अच्छा चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का रिडक्शन चाहिए? कुछ नहीं। HRA का रिडक्शन क्लेम करना है? जी हाँ, HRA का रिडक्शन हमें दिखाना है, दिखाना है ना। आर यू एलिजिबल टू क्लेम लीव ट्रेवल अलाउंस? नहीं। आर यू एलिजिबल टू अदर एग्जम्पशन ऑफ सैलरी इनकम? नहीं, और कोई एग्जम्पशन नहीं है। कंटिन्यू कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सैलरी पूछता है। सबसे पहले हम लोग बेसिक सैलरी हम लोग डाल देते हैं, जो हम लोग की बेसिक सैलरी वो कितनी है, सॉरी ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी देखिए कैसे आएगा, ग्रॉस सैलरी का मतलब इन सभी को क्या कर लीजिए, पहले ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या है, देख लीजिए, ब्रैकेट ओपन प्लस
ये तीनों मिल रहा है, ब्रैकेट क्लोज करिए, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए, तो इनकी जो है 9 लाख रुपीज टोटल सैलरी। तो यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूँ, 9 लाख। अब एग्जेम्पशन देखिए कितना मिल रहा था एचआरए का, एचआरए का एग्जेम्पशन 1,20,000 रुपये हम क्लेम कर रहे हैं, तो 1,20,000 रुपये हमें एग्जेम्पशन का क्लेम हो जा रहा है। बात समझे? तो इनकी देखो सैलरी कितनी, नेट सैलरी कितनी आई, 7,80,000। अब आपको पता है और अंडर सेक्शन 16 में क्लॉज आईए में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। तो अब इनकम कितनी आ गई, 7,30,000 रुपये। अब आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो देखते हैं क्वेश्चन में इनके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो कोई हाउस प्रॉपर्टी के इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं देंगे। और ज्यादा ज्यादा अगर देना भी चाहते हो तो बस क्या दिखा देना, सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा देना, क्या दिखा देना, और अंदर कोई डिटेल नहीं भरना। अब कहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अदर सोर्स की इनकम में देखें तो बस एक ही इनकम है, वो कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट वाली, 20,902 रुपये। यहां हटाइए, ओके। सो ये इनकी इनकम हो गई, और तो कुछ भरना नहीं है। अब देखो सैलरी इनकम जो थी 7,30 थी, इसमें ये 20,902 जुड़ गया, अब कितना हो गया, सही है। अब कोई एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना है, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है ही नहीं, कंटिन्यू करिए, सक्सेसफुल, कहीं कोई एरर नहीं है। अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम के बाद अब कहता है क्या, टोटल डिडक्शन, तो अब चलते हैं डिडक्शन पे। अब डिडक्शन में देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, आर यू एलिजिबल टू एनी डिडक्शन डोनेशन, क्या कोई डोनेशन दी हो, नहीं, कोई साइंटिफिक रिसर्च में कुछ डोनेट किया हो, कुछ नहीं, क्लेम 80 जीजी का डिडक्शन क्लेम करना है, कुछ नहीं, 80C में कितना डिडक्शन क्लेम करना, हाँ ये अमाउंट सर सही कर देते हैं हम लोग। अब देखिए कितना डोनेशन, कितना इसको 80C में डिडक्शन मिलेगा, इसकी सैलरी से हर महीना कितना कटता है, 12% ऑफ सैलरी जो EPF में जाता है। तो अगर हम सैलरी देख रहे हैं, सैलरी ये 60,000 रुपये है ना, 6 लाख रुपये सॉरी, तो 12% कितना हो गया, 72,000 रुपये। 72,000 रुपये इसका किस में गया, पूरे साल भर में EPF में गया है, कहीं कोई दिक्कत, रेंट पेड और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, 80C में बस एक ही आएगा, कितना आएगा, 72,000। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 72,000 जो इसको 80C में क्लेम करना है। डू यू एग्री विद दिस इंफॉर्मेशन, जी हाँ एग्री करते हैं। अब कहते हैं 80CCD में कुछ क्लेम करना है, नहीं, 80CCD आपको पता है पेंशन स्कीम के लिए होता है। फिर कहते हैं 80D क्लेम करना है, जी हाँ 80D क्लेम करना है। फिर कहते आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ मेड लोन, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए उसका इंटरेस्ट है, नहीं, आर यू एलिजिबल टू क्लेम अनदर डिडक्शन, कोई नहीं, बस इतना हो गया। मैं जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो इसमें आएगा 80D में, ध्यान रहे LIC प्रीमियम है, हाँ बिल्कुल सही है, ये 80C में है, सॉरी ये छूट गया मेरे से, 46,981 सही कह रहा। तो दोनों मिला के कितना डिडक्शन क्लेम करेंगे जी, 1,18,981, यहाँ सही करते, 1,18,981 रुपये सही है। तो 1,18,981 रुपये तो मैं 80C में क्लेम करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 80DU और तो कहीं कुछ भरना नहीं है, 80TTA, 80TTA में कितने का डिडक्शन मिलेगा, 10,000। अब देखिए यहां पे कह रहा है क्या, ये पीछे का उठा दिया 1 लाख, कितना था जी हम लोग का, 1,18,981, ये होगा एलिजिबल डिडक्शन। 80D का डिडक्शन बताइए कितना होगा, तो 80D में देखिए हमें मिलेगा डिडक्शन, क्वेश्चन में देख लीजिए, इंश्योरेंस जो हम दे रहे 10,000 मेडिकल इंश्योरेंस, 10,987, है ना, सही है।
तो ये हम लोगों ने क्लेम कर लिया 10987 का एटीडी का क्लेम। अब यहाँ पे देखिए एटीडीडी यहाँ पे दे रखा है, एटीडीडी में तो कुछ है नहीं इनका डिडक्शन, एटीटीटी एटीटीटी ये में हम दिखा चुके हैं। एटीटीटी एक बार देखते हैं। अच्छा यहाँ कोई बटन नहीं काम करेगा। 1,29,968। अच्छा इसका भी नहीं मिला एटीडीटी का, तो एटीडीटी यही है, यहीं पे भर दीजिए। वहां पे तो हम भरे थे, वहां नहीं मिला, 10,000 रुपये यहाँ भर दीजिए फिर से। अमाउंट एलिजिबल डिडक्शन एटीडीटी है कितना होगा, 10,000 रुपये। अमाउंट इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं दिखाना है, 10,000 रुपये का डिडक्शन। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है जी? नहीं बढ़ा है। एटीटीटी का डिडक्शन ये नहीं दे पा रहे, एक बार एडिट करके देखते हैं। चलिए ये हम लोग के पार्ट से नहीं दिक्कत है, ये पार्ट किसके दिक्कत है, ये इनका इस डमी साइट का इशू है। कोई टेंशन नहीं, आप अपना 10,000 रुपये एटीटीटी में दिखा करके आप आगे बढ़ जाइएगा। सक्सेसफुल, ओके, कंप्लीट हो गया। अब टैक्स पेड है, कहीं कोई टैक्स पेड किया है क्या हमने? कहीं कोई टैक्स हमने नहीं पेड किया, कंफर्म करिए। अब एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। हम लोगों ने सैलरी दिखा दिया, ईपीएफ दिखा दिया, रेंट दिखा दिया, एलआईसी प्रीमियम दिखा दिया, मेडिकल इंश्योरेंस इंटरेस्ट भी दिखाया, बट इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं ले रहा है। एटीटीटीए का रिडक्शन नहीं उठा रहा, कोई टेंशन नहीं। देन प्रोवाइड, अब क्या है, टैक्स लाइबिलिटी दिखाएगा कितना लाइबिलिटी बन रहा है आपका। अब देखो इसमें टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल रिडक्शन है कितना, 1,139 आ तो गया जी, यहाँ पे 139 आ गया, वहां पे 129 दिख रहा था, 10,000 का यहाँ पे रिडक्शन अब जाके ऐड कर दिया। ठीक है, सही है। अब कितना हो गया टोटल इनकम, 6,14,934, जिस पे टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से बनाए 37,487। ठीक है, कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, टोटल मिला करके आपका टैक्स बन रहा है कितना, 38,986 रुपीज, यानी कि आपको 38,990 रुपीज जमा करना पड़ेगा राउंड ऑफ करके। अब कंफर्म करेंगे, 234A, 234B, 234C, अगर आप लोगों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है इनकम टैक्स, तो उसमें आप लोगों ने ब्याज पढ़ा था कि रिटर्न डिले फाइल करने पे 234A, और अगर इंस्टॉलमेंट, अगर सॉरी मार्च के बाद अगर टैक्स जमा करते हो तो जितना, उस पर 234B और 234C जो इंस्टॉलमेंट्स होते थे एडवांस टैक्स, अगर उसमें अगर डिले किए हो तो उसका यहाँ पे टैक्स बनेगा। तो ये ऑटोमेटिकली आती है, यहाँ पे हमें फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और ये आपको पता है 234F फाइन होता है, अगर डिले रिटर्न फाइल करते हो तो उसपे क्या है, ये फाइन है। अब इसके बाद ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, अब आपको प्रोसीड कर लेना है। और हाँ, अगर एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि डाउनलोड करके जेसन फाइल रख लीजिए और वही फाइल अपलोड कर दीजिए, तो आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा जेसन फाइल। क्या जेसन फाइल भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, चलो कोई डाउनलोड वाउनलोड नहीं होगा, आप इसी को प्रोसीड कर लीजिएगा, कुछ नहीं डाउनलोड होने वाला यहाँ। अच्छा यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं डाउनलोड करने की। हाँ ये डाउनलोड हो गया, ठीक 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 अब यहाँ से जरा ओपन करके देखते हैं क्या हुआ है। हाँ ये आ गया आपका, जो आपने फिल किया उस हिसाब से आ गया। तो ये फाइल आप लोग अपलोड करना पड़ेगा, तो यही फाइल आप क्या कर लीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा प्रिंट प्रीव्यू। डिटेल्स यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए कौन कर रहा है, सेल्फ कर रहे हैं,
देन प्रोसीड प्रीव्यू। ओके ओके वेरीफाई एंड सबमिट, ये कंप्लीट हो गया। प्रोसीड विद वैलिडेशन कंप्लीट हो गया, वेरीफाई हो गया, सबमिट, वेरीफाई एंड सबमिट तीनों पे टिक हो गया ना, दैट मीन्स कंप्लीटेड। क्लियर? तो थोड़ा डमी साइट है, इसकी वजह से कई सारे टेक्निकल यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको इश्यूज, हालांकि ओरिजिनल साइट पे सब चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक, और ये जो फाइल आपका डाउनलोड हुआ है आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे यहाँ पे आगे आपका इसको आप लोग को भले आपको एक फोल्डर जो होता है डेस्कटॉप पे उस पर आपको क्या कर देना होगा, डाल करके अपलोड कर देना है, दैट्स इट। तो कहने का मतलब देखो ये डमी साइट है, टेस्ट होता है, चूंकि अब टेस्ट के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है, बट हाँ ये ओनली फॉर टेस्ट है, नॉट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है ना। लेकिन हाँ इतना अगर सीख गया तो काफी हद तक ओरिजिनल पे भी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, ओरिजिनल में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें बल्कि दिक्कत आ रही थी, कहीं अमाउंट अपडेट नहीं कर रहा था, कुछ सेक्शंस नहीं खुल रहे थे, और वहाँ पे सारे सेक्शंस खुलते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न आप देखो 19-20 डाले थे, लेकिन फिर भी 20-21 आ गया, 21-22 आ गया, बट वहाँ पे तो जिस समय का रिटर्न फाइल करोगे उसी समय का आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ये वीडियो अगर आपको समझ में आए, अगर हेल्पफुल है टेस्ट के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।